जिले में 2 मरीजों में स्वाइन फ्लू की पुष्टि, मलेरिया के 9 मरीज मिले। नमस्कार, आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल और मैं हूं आपके साथ रश्मि पांडे। हापुड़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। हापुड़ जिले में स्वाइन फ्लू ने दस्तक दे दी है। 2 मरीजों में पुष्टि से स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया, वहीं 9 मरीजों में मलेरिया की पुष्टि हुई। विभाग द्वारा मरीजों की ट्रैवलिंग हिस्ट्री को खंगाला जा रहा है। सीएमओ ने चिकित्सकों को अलर्ट कर दिया है। सपनावत पुलिस चौकी पर तैनात सिपाही में स्वाइन फ्लू की पुष्टि के बाद गढ़ क्षेत्र में भी एक अन्य मरीज में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई। दोनों ही मरीजों का उपचार मेरठ में चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अफसरों की माने तो इन मरीजों की हालत सामान्य बनी है। स्वाइन फ्लू ने वर्ष 2019 में जमकर कहर बरपाया था, ऐसे में फिर से इस बीमारी के फैलने का खतरा बढ़ गया है। दोनों ही मरीजों को स्वाइन फ्लू कैसे हुआ, इसकी पड़ताल चल रही है। बीमारी के चलते सांस लेने में परेशानी चिंता का सबब बन रही है। सीएमओ ने निगरानी टीमें गठित कर दी हैं, जो कि क्षेत्र में लक्षण वाले मरीजों पर नजर रखेंगे। इसके अलावा टैमी फ्लू दवाओं का स्टॉक भी सुनिश्चित कराया जा रहा है। वर्ष 2019 की शुरुआत में भी जिले में स्वाइन फ्लू ने जमकर तांडव मचाया था। उस समय जिले भर के करीब 51 मरीजों में स्वाइन फ्लू की पुष्टि की गई थी। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के अनुसार उस दौरान कोई मौत नहीं हुई थी। बुखार क्षेत्र में कहर बरपा रहा है। गांव यादनगर में भी काफी संख्या में बुखार से पीड़ित मरीज हैं। लोगों का कहना है कि निजी चिकित्सकों द्वारा कई को डेंगू की पुष्टि की गई। गांव में फॉगिंग व दूसरे प्रकार की दवाइयों का छिड़काव भी नहीं किया गया। खांसते व छींकते समय मुंह नाक पर कपड़ा रखें, हाथों को साबुन व गुनगुने पानी से धोएं, अपने मुंह व नाक को हाथ से न छुएं, भीड़ वाले स्थानों से दूर रहें, पानी का अधिक सेवन करें, हरी सब्जियां, मौसमी फल, साइट्रस फलों का अधिक सेवन करें। जिले में मलेरिया के 9 नए केस मिले हैं, संख्या बढ़कर अब 81 हो गई है। इसके अलावा डेंगू के 2 नए मरीज मिलने पर ऐसे मरीजों की संख्या भी बढ़कर 11 हो गई। दस्तक अभियान चलाकर ऐसे मरीजों को चिन्हित किया जा रहा है। डॉक्टर सुनील कुमार सीएमओ ने बताया, स्वाइन फ्लू को लेकर चिकित्सकों को सतर्क कर दिया गया है। मरीजों में बीमारी कैसे आई, इसकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री को परखा जा रहा है। मरीजों की हालत स्थिर है। डेंगू के मरीजों में भी कोई गंभीर नहीं है।